नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से रेलवे एनटीपीसी के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन का एक और वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, ये आपके पिछले वीडियो में पूछा गया सवाल जिसका जवाब आप में से काफ़ी लोगों ने दिया था कि ड्यूरेंट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो दोस्तों ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका आज के लिए, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके सामने इसके ऑप्शंस मौजूद है। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मैथमेटिक्स का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि चार पुस्तकें ए बी सी तथा डी के मूल्यों के बीच क्रमश 5:7:9:12 का यह अनुपात दे रखा है आपको। यदि सी तथा बी के मूल्यों में 242 रुपये का अंतर हो तो ए तथा डी का कुल मूल्य क्या है? क्वेश्चन आपको अगर आता है ये वाला क्वेश्चन तो इसका जवाब दीजिए सॉल्व करके, अदरवाइज मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने की। पहले 4-5 सेकंड का आप टाइम ले लीजिए, देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा और आपका आंसर आना भी स्टार्ट हो गया होगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए पहले इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो लिख लीजिए, ए प्लस डी और सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 242। पूरा समझाऊंगा इसे, ठीक है, टेंशन मत लेना। ए आपका क्या है, पहला वाला रेशियो, ठीक है, ए बी सी डी दे रखा है। डी आपका क्या है, 12। ए प्लस डी क्यों लिखा, इसका भी रीज़न है कि क्या निकालना है आपको, ए तथा डी का कुल मूल्य निकालना है, यानी कि दोनों का जोड़ के जो आपका टोटल वैल्यू है वो आपको निकालनी है, इसीलिए ऐड किया है। और सी माइनस बी क्यों किया है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि सी तथा बी के मूल्यों में 242 रुपये का अंतर है, अंतर का मतलब हमेशा माइनस ही होता है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, ए प्लस डी अपॉन सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 242। अब बस वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ए की जगह आप रखिए 5, क्योंकि ए को आपका कितना दे रखा है 5, डी का 12 दे रखा है, फिर नीचे आपका दे रखा है सी माइनस बी जो कि आपका है 9-7 और मल्टीप्लाई में आपके पास है 242। तो सीधी सी बात है, कितना हो गया ये 12 और 5 आपका हो गया 17, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 242। इसे काट सकते हैं हम, कितने टाइम्स हो जाएगा ये 121, तो 121 को मल्टीप्लाई कर दो 17 से, आपका आ जाएगा 2057 रुपये। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है आपको सिंपल यही वाली चीज़ फॉलो करनी है। प्लस किस लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों का पूछा है, और माइनस क्यों किया है हमने, क्योंकि इसमें आपको जो इसका अंतर दे रखा है इसीलिए किया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, सी वाला। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए प्लस बी का 40% बराबर ए माइनस बी का 60% हो तो, क्या आपको फाइंड आउट करना है 2a-3b अपॉन ए प्लस बी। तो अगर ये फाइंड आउट करना है आपको तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ए और बी की, वो कैसे निकालेंगे निकालिए साथ साथ में, ठीक है, और आपके लिए मैं भी सॉल्व कर देता हूँ कुछ चीज़ें जो मैं है वो क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा। देखिए, ए प्लस बी का 40% का मतलब क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 40%, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। और ए माइनस बी का 60% का क्या मतलब है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 60%, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। और ये बराबर में, तो ए माइनस बी अगर इधर आता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में इस साइड इधर आता है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। इस साइड आपका 60 पहले से है, इधर आपका मल्टीप्लाई में 40 है, ये इस साइड जाएगा तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड में 40। यहाँ तक चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे आप काट सकते हो, 20 से ये हो जाएगा 3/2। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो अब दोस्तों, ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक आपकी विधि है, मेथड है, योगांतरानुपात। उसमें क्या होता है, जो ये अनुपात में आपको चीज़ें दे रखी है 3 और 2, ठीक है, तो एक में प्लस हो जाएगी 3 और 2 और एक में माइनस हो जाएगी 3-2। तो ए प्लस बी ऊपर आपका दे रखा है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3+2 यानी कि 5 हो जाएगी, और बी की वैल्यू हो जाएगी 3-2 यानी कि हो जाएगी 1। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 5, बी की वैल्यू आ गई आपकी 1, पुट अप कर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको रख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है आपका 2a और a की हमारी वैल्यू आ गई थी 5 माइनस 3b, तो 3, और b की वैल्यू आपकी 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे क्या करना है, a प्लस बी यानी कि 5+1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये देखो 5 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10-3/6, तो कितना आ जाएगा 7/6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ दोस्तों आपका यहाँ पे, ए वाला। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बरेली शहर की जनसंख्या वर्ष 2004 में 10 लाख थी, वर्ष 2005 में 15% की वृद्धि हुई, वर्ष 2006 में 35% की कमी तथा वर्ष 2007 में 45% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2007 के अंत में बरेली की जनसंख्या कितनी होगी। सिंपल सा है, एक फॉर्मूला लगेगा, एक ही ट्रिक लगेगी, पूरा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, ये आपको जो दे रखा है 10 लाख, इसे हम पी ले लेते हैं,
तो सबसे पहले हमें इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। ये कितने 6 जीरो हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद ये जो वृद्धि और कमी हुई है, वृद्धि में हमेशा ध्यान रखना हमेशा प्लस होगा, कमी में हमेशा माइनस लिखा जाएगा। तो ये चीज़ पहले से क्लियर करना, 2 में यहाँ पे वृद्धि है तो 2 में प्लस होगा, 1 में कमी है तो 1 में माइनस होगा। और 15% है सबसे पहले वृद्धि हुई है तो क्या होगा, 100 प्लस 15, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था वृद्धि दे रखी है मतलब प्लस होगा, है ना। दूसरे में क्या है, कमी है तो 100 माइनस 35, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस बार आपके लिए, ये हो जाएगा आपका 65। और अगली वैल्यू क्या होगी आपकी, 100 प्लस 45 यानी कि 145। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नीचे क्या आएगा आपका, यहाँ पे तीनों के लिए 100 100 100 आएगा, क्योंकि देखिए सबके नीचे सबके साथ क्या था, परसेंटेज का साइन था। तो नीचे 300 आएंगे यानी कि 6 जीरो आएंगे, तो 6 जीरो से 6 जीरो पहले से ही काट दो, मतलब इतना लेंदी आपको चलाना ही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन आपको पहले से ही करके रख देनी है, मतलब कि इस वैल्यू का कोई भी आपका यहाँ पे सेंस हुआ ही नहीं, ये एज इट इज़ कट गई नीचे। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूँ किसी को डाउट हो तो, नीचे आपके ये 3 बार 100 लिखे जाएंगे तो ये आपके 6 जीरो इससे कट जाएंगे, तो मैं इसे लिख ही नहीं रहा हूँ डायरेक्टली, ये मैंने चीज़ आपको समझाई। ये कितना हो गया, 115 65 और 145, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10,83,875, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तीनों को मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना, क्रॉस चेक करना, आपको भी आंसर की पूरी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आंसर सही में यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो खुद से ज़रूर चेक करना, ठीक है। 115 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 145, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10,83,875। और दोस्तों अगर आपको कोई भी पर्सनली डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूज़र नेम आपके सामने है RATHORE11ABHI, साथ साथ फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सामने दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इन्हें सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, के नवीन ने 16 रुपये के 9 संतरे खरीद कर 20 रुपये के 11 की दर से बेच दिए, उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आता है, एक ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा आपके काम आएगी। अब देखिए क्या है, आपको सबसे पहले दे रखा है कि 16 रुपये के 9 संतरे खरीदे, तो क्या लिखना है, 16, उसके नीचे लिख दो 9। दूसरे में क्या है, 20 रुपये के 11, है ना, तो 20 रुपये ऊपर ही लिखे थे 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि 20 को मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, वो आ जाएगा आपका 180, तो 180 आपको इस साइड लिखना है, और 16 को मल्टीप्लाई कर दो 11 के साथ, वह आपका आ जाएगा 176, ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 180 सबसे पहले लिखना है, माइनस करना है 176, और नीचे भी आपको सेम सेकंड वाली वैल्यू लिखनी है, जो दूसरी वैल्यू आपकी आई है 176, वो आपको नीचे लिखनी है, लिख दिया भाई, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 25/11 आएगा, उसे जब आप मिक्स रेशियो में सॉल्व करोगे तो आएगा 23/11 लाभ यानी कि गेन, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 11 2 होता है आपका 22, 3 रिमाइंडर बचेगा, नीचे भी 11 है, 23/11, और गेन है मतलब प्लस, मतलब यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये लॉस हो जाता, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि ये प्लस का है, मतलब ये लाभ है यानी कि गेन है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, कि 1 से 9999 तक की संख्याओं में अंकों की संख्या, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, कई बार क्या पूछा जाता है कि 1 से लेकर 9000 तक की संख्याओं में संख्याओं का योग कितना होगा, योग अलग चीज़ है कि संख्याओं में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या का क्या मतलब है, जैसे ये लिख रखा है 9999, इसमें टोटल अंक कितने हैं, 4 ही तो है, 1 2 3 4, तो ऐसे अंकों की संख्या निकालनी है आपको 1 से लेकर 9999 तक कितने अंक हो रहे हैं, समझ गए क्वेश्चन को अब, ठीक है अब सॉल्व कीजिए इसे फटाफट से। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी ऐसा आता है कि 1 से लेकर 999 या 1 से लेकर 99 या 1 से लेकर 9999 या इससे भी आगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है 9 लिखना है ब्रैकेट में। अब देखिए कितने डिजिट है, 4 आ रहे हैं ना, 9999 में कितने डिजिट है, 4, तो हमें कहाँ तक लेके जाना है, 4 तक, सबसे पहले 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यहाँ तक कोई भी डाउट मत रखना, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, 1 को तो सिंपल रखो, उसके बाद जैसे ही 2 आता है उसके बाद 10 लगा दो, यानी कि 2 डिजिट बना दो, 3 है तो मतलब इसे 3 डिजिट बना दो यानी कि 2 जीरो लगा दो, 4 है तो मतलब यहाँ पे 4 डिजिट बनाओ यानी कि 3 जीरो लगाओ, बस इतना सा काम आपको करना है, इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये कितना बन गया, 4321 बन गया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4321 आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 38,899, कहाँ देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में। शॉर्ट ट्रिक है,
नहीं समझ में आती वीडियो को दोबारा देखना, पीछे करके दोबारा देख लेना, हमेशा आपके काम आएगी। नंबर सिस्टम का आपका एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन छठा कि संख्याओं 1/3, 7/9, 3/5 और 10/12 को आरोही क्रम में लिखो, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग आपको लिखना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की काफ़ी सारी ट्रिक्स है, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ईजी है, एक बार देख लेना, अगर आपके लिए यूज़फुल रहे तो आप भी ये ज़रूर करके देखना। देखिए क्या करते हैं, 1/3 दे रखा है तो इनका बीच का डिफरेंस पता करो, डिफरेंस कितना है, 3-1 कितना होगा, 2 होगा ना, 2 आपका यहाँ पे डिफरेंस है, तो आपको क्या लिखना है, 1 ऊपर वाली चीज़ हमेशा ऊपर ही रहेगी, जो डिफरेंस है वो नीचे लिख दीजिए, लिख दिया। 7/9, 7/9 दे रखा है, इसमें बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब कि 9-7 करते हो 2 आता है, तो 7 ऊपर हमेशा वो सेम रही वही रहेगी, सबके लिए लिख देता हूँ, सबके लिए ऊपर वही रहेगी, नीचे जो डिफरेंस आ रहा है वो लिख दो। 5/3 में डिफरेंस कितना है, 2 का। 12/10 में डिफरेंस कितना है, 2 का, यहाँ तक चीज़ लिख देना, इसके बाद आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। नीचे आपके हर चीज़ कॉमन है, 2, 2। अब ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, सबसे बड़ा ये, उसके बाद और उसके बाद, सबसे छोटा हो जाएगा 1/2, सबसे बड़ा होगा 10/2। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही अवरोही क्रम तो पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा, 1/3, 3/5, 7/9 और 10/12, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन सातवां कि 3 धावक ABC एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु समय तथा दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं, वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 36 सेकेंड, मतलब कि ए कितना लेता है 36 सेकेंड, बी लेता है 45 सेकेंड और सी लेता है 54 सेकेंड लेते हैं, तो कितने समय बाद वे तीनों पुनः एक साथ मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, जो मैथ्स के मैं टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चला ही रहा हूँ, इनमें जो मैंने पहले आपको वीडियोज़ दिए उनमें भी ऐसे क्वेश्चन दिए मैंने आपको, सभी में यही कहा है, जब भी ऐसा कहे कि पुनः कितने बार मिलेंगे या पुनः कितने बार घंटियाँ एक साथ बजेगी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है घंटे वाला, तो हमेशा आपको एलसीएम लेना है सभी वैल्यूज़ का, 36, 45 और 54 तीनों का एलसीएम ले लीजिए। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ एलसीएम आएगा आपका 540। अभी तीनों क्या चीज़ है, सेकंड है ना, तो ये भी क्या होंगे, 540 सेकंड होंगे, इसको कर दीजिए मिनट में कन्वर्ट, क्योंकि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी मिनट में दे रखे हैं, और ध्यान रखना एग्ज़ाम में अगर मिनट में दे रखे हैं तो मिनट में चेंज करना, अदरवाइज़ अगर ऑप्शन में आपको पहले से सेकंड में दे रखा है तो आपको चेंज नहीं करना। तो 540 है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 है ना, यानी कि 9 मिनट, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज का हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गत वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ के आपको यहाँ पे जवाब देना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। तो क्या कह रखा है अब आपके लिए सॉल्व करता हूँ, अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया यानी कि 26 वर्ष, तो एकदम करेक्ट होगा, यानी कि वर्तमान में आयु कितनी है 26। देखिए 26 से पहले क्या आता है 25 और 26 के बाद में क्या आता है 27, तो यही तो कह रखा है कि गत वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या थी, यानी कि किसी का स्क्वायर है 25, किसका स्क्वायर है 5 का, और चलिए तो हो गया। अगले वर्ष क्या कह रखा है, यह एक घन संख्या होगी, क्यूब होगा किसका, 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 27 आएगा, 5 का स्क्वायर नहीं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करो 25 आएगा, तो वर्तमान में आयु कितनी होगी 26। बस ये वर्बल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, ये आपको वैल्यू दिख रही है √4, उसके भी अंदर क्या हो जाएगा, √4 ये चल रहा है का मान क्या होगा, तो √4 कितने बार है पहले तो ये काउंट कर लीजिए, ये है आपका 6 टाइम्स, है ना। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो भी वैल्यू है जैसे यहाँ के यहाँ में क्या यहाँ कितनी वैल्यू हमारे पास 4 है ना, तो 4 लिख लीजिए, कितनी टाइम्स 4 √ में आ रहा है 6 बार आ रहा है, तो क्या करना है 2^6 −1/2^6। अब 2^6 का मतलब क्या है, कितनी वैल्यू आएगी आपकी 64, यानी कि 2 को 6 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2 × करोगे 6 बार, तो आ जाएगा आपका 64, तो 64 − 1 कितना आ जाएगा आपका 63, नीचे आ जाएगा 2^6 कितना हो जाएगा 64, यानी कि 4^63/64, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे 4 है 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, वही वैल्यू लिखनी है जो इसमें दे रखी हो, काउंट कर लेना है कितनी टाइम्स है,
अभी 6 टाइम्स है, 7 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जब हमने 6 लिखा है उसकी जगह अगर 5 टाइम्स है तो 5 कर देना, है ना, 2 की पावर 5 कर देना, बस इतना सा चेंज करना है तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना छोटा है जितना आप सोच भी नहीं सकते, बहुत छोटा है। क्या दे रखा है आपको, 1/√1 + √2, उसके बाद ये आपकी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। कहाँ तक है, 1/√8 + √9 तक, इतनी बड़ी वैल्यू है। सॉल्व कैसे करें, इसकी ट्रिक है सिंपल सी। क्या करना है आपको, ये सब प्लस में है, अब मान लिए कि मैं प्लस को अगर ऊपर लेता हूँ तो आपको पता है माइनस में होता है चीज़ें, तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू और सबसे पहली वैल्यू, हमें दो ही चीज़ लेनी है। क्या लेना है, दोबारा से सुन लीजिए, सबसे लास्ट वाली वैल्यू पकड़ लेना। अगर ये इतना बड़ा है, अगर ये इतना होता, मान लो √5 तक इतना ही होता यहाँ तक, तो क्या करते हैं हम, सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन सी होती है हमारी, √5, सबसे पहली ये वाली। तो अब ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करना है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू लेनी है √9। अब क्या करना है, पूरे में प्लस है तो हमें लगा देना है यहाँ पे माइनस, उल्टा कर देना है, सबसे पहली वैल्यू ले लेनी है, क्या है, √1। इसे सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि √9 कितना होता है, 3, और √1 आपका 1 ही रहेगा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी है, छोटा है बड़ा है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू ले लेना और सबसे पहली वैल्यू ले लेना और दोनों का माइनस कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से आपका जो भी स्कोर रहा हो कमेंट करके बता दीजिए, और ये वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक किए मत जाना। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, और आगे ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।